हाय फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद भारमल आपका वेलकम करता हूँ यूट्यूब चैनल मोहम्मद कंप्यूटर्स। अभी आप देख रहे हैं जावास्क्रिप्ट बिगिनर ट्यूटोरियल्स हिंदी में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूडीएफ, फुल फॉर्म है यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन सिमिलर टू द अप टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट लूप जैसा, सिमिलर टू द लूप। लूप का जो मेन कॉन्सेप्ट था कि कोई भी ऐसा, अगर हमारे पास ऐसा कोड जो हमें रिपीटेडली एग्जीक्यूट करवाना है तो उसे हम लूप में लिख सकते हैं। तो ठीक वैसे ही यूजर डिफाइंड फंक्शन का ऐसा ही कुछ है। कोई भी ऐसा कोड जो हमें मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाना है उसे हम यूजर डिफाइंड फंक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो लूप है कंटिन्यूस एग्जीक्यूशन होता है। मान लीजिए हमने इनिशियलाइजेशन में 1 लिखा, इंक्रीमेंट की कंडीशन में +1, इंक्रीमेंट में +1 किया और कंडीशन में <3 लिखा, तो 1, 2 और 3 टाइम एग्जीक्यूट होगा इन अ सीक्वेंस, विच में हम पॉज या ब्रेक या दूसरा कुछ एक्स्ट्रा कोड नहीं एग्जीक्यूट करवा पाएंगे। यूजर डिफाइन फंक्शन में क्या होगा, यूजर एज पर देयर कन्वीनियंस, नॉट अ यूजर बट अ डेवलपर एज पर एक्सट्रीमली सॉरी एज पर देयर कन्वीनियंस उनका जो कुछ भी कोड किया होगा वो कॉल करवा पाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल क्विकली ले लेते हैं। HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मैं अभी के लिए हेड पोर्शन स्किप कर देता हूं। यहाँ पे हम स्क्रिप्ट लिखेंगे और अगर आप HTML5 को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहते हो यहाँ पे आप डॉक टाइप HTML लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, प्रोग्राम मैंने सेव कर दिया, क्रोम में रन कर देता हूं मैं इसे एक बार। ठीक है, लाइन आनी चाहिए, लाइन आ गई। ठीक है, अब मान लीजिए इसे मैं लूप में लिख रहा हूं, 4 i = 1, i < 3, i++, तो ये 3 टाइम लूप एग्जीक्यूट हो गया इन अ सीक्वेंस। अब मुझे ऐसा नहीं करना है, अब मुझे क्या करना है, 1 to 10 डिस्प्ले करवाना है, लाइन चाहिए। इवन नंबर्स डिस्प्ले करवानी है, लाइन डिस्प्ले करवानी है। ऑड नंबर डिस्प्ले करवानी है, लाइन डिस्प्ले करवानी है। अब लाइन हर बार आ रही है लेकिन इन अ सीक्वेंस नहीं आ रही है। ये क्या हुआ, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन सीक्वेंस में आ गए। अब ऐसे कॉन्सेप्ट में हम यूज करेंगे यूजर डिफाइंड का कॉन्सेप्ट। अब उसकी सिंटेक्स क्या है, तो सबसे पहले तो उसका कीवर्ड आता है फंक्शन, ये हमें लिखना कंपलसरी है। बाद में जैसा आपका टास्क उस मुताबिक आप उसका नाम दीजिए, जैसे कि लाइन, फंक्शन नेम, वेरिएबल नेम के जो नेमिंग रूल्स है उसे ही फॉलो करता है। कीवर्ड्स नहीं चलते हैं, स्पेस नहीं चलती है, जो कुछ भी आता है ठीक वैसे ही। कर्ली ब्रैकेट्स में हमें जितना कोड करना है जितना भी आप कर दीजिए। अब फॉर लूप फिर से, i = 1, i < 3, मान लीजिए मैं अभी 10 लिख रहा हूं और यहां पे i++, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैंने आई को डिस्प्ले कर दिया। सेव करके रिफ्रेश कीजिए, नंबर तो मिल गए, लाइन नहीं मिली। अब सिंटेक्स के मुताबिक आगे अगर हम भरे, फंक्शन कीवर्ड लिखना जरूरी है, लाइन मैंने फंक्शन का नेम दिया,
पैरेंथेसिस ब्रैकेट करना जरूरी है, कंपलसरी एज अ फंक्शन। कर्ली ब्रैकेट्स में आप जितना कोड करना चाहते हैं आप कर दीजिए। अब UDF का रूल क्या है, जहाँ तक आप जावास्क्रिप्ट को कहेंगे नहीं कि भाई उसे लाइन को एग्जीक्यूट कर, वो नहीं करेगा। अब हमें उसे कहना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट लाइन नाम का UDF ढूंढ और इसे यहाँ पे एग्जीक्यूट कर। रिफ्रेश करता हूँ, देखिए उसके बाद ही लाइन डिस्प्ले हो गई। आगे पीछे हम एक बार BR लिख देते हैं। रिफ्रेश, देखिए लाइन आ गई। अब फिर से मुझे थोड़ा बहुत कुछ कोड करना है, कुछ भी। मैंने कोडिंग किया, मान लीजिए मुझे इवन नंबर डिस्प्ले करवाना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्लस इक्वल टू टू। रिफ्रेश कीजिए, नंबर्स आ गए। लाइन फंक्शन लाइन आ गई। अब ये क्या हुआ, सॉरी जितनी बार आप लाइन लिखेंगे उतनी बार जावास्क्रिप्ट अपना जो एग्जीक्यूशन कर्सर है वो जंप कर देगा इन बिटवीन द UDF। हमने उसे कॉल किया, इसे कॉलिंग स्टेटमेंट कहते हैं। यहाँ पे लाइन नंबर 10 और लाइन नंबर 14 में जो मैंने लिखा है उसे कोडिंग स्टेटमेंट कहते हैं। बीच का जो कुछ भी आता है UDF में उसे कहते हैं UDF बॉडी। ये है UDF नेम, लाइन है UDF नेम, UDF बॉडी और UDF कॉलिंग स्टेटमेंट। इस जगह से लाइन नंबर 10 से वो जंप कर देगा इनसाइड द UDF। जितना भी कोड होगा सब एग्जीक्यूट कर देगा, रिटर्न होगा, वापिस आ जाएगा जहाँ से वो आया था, लाइन नंबर 10। उसके बाद लाइन नंबर 11, 12, 13, 14 आया, UDF कॉलिंग स्टेटमेंट है, जंप किया इनसाइड द UDF। जितना भी कोड है एग्जीक्यूट होगा, बाहर आ जाएगा एक और बार। अब ओड नंबर हमें डिस्प्ले करवाना है। देखिए ये यूजर डिफाइंड फंक्शन का सिंपल एग्जांपल है। आप अपने मुताबिक अपने टास्क का कोई भी यूजर डिफाइंड फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। UDF 4 टाइप्स के होते हैं। अभी जो आप एग्जांपल देख रहे हैं वह है विथआउट आर्ग्यूमेंट विथआउट रिटर्न। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। ये बेसिक वीडियो है फर्स्ट टाइप का। रिमेनिंग जो 3 टाइप्स है यूजर डिफाइंड फंक्शंस की वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में एज अ बिगिनर आपने कुछ भी नया जाना सीखा तो प्लीज़ मेरा वर्क अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे बहुत सारे वीडियोस अपलोड होने वाले हैं, आप खुद को अपडेट कर पाएंगे, दोस्तों को अपडेट कर पाएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।